हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाला ढोकला। ढोकला बनाने के लिए मैंने सावक के चावल लिए हैं, इनको ये मैंने डेढ़ कटोरी चावल लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धो कर के पानी निकाल दिया। ये 2 टेबलस्पून मैंने साबूदाना लिया, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर इसका पानी निकाल दिया। और ये आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा मैंने दही लिया है। इन दोनों को मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी दही डालकर। 1 नींबू का रस लिया मैंने, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया, 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया, ये सेंधा नमक है, आप जो भी नमक खाते हो ले सकते हो और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। ये मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है और ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें यूज़ करना हुआ पानी ले लेंगे हम। ढोकले का तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, जो आप व्रत में खाते हो वही ऑयल ले सकते हो। थोड़े से मैंने करी लीव्स लिए, 3-4 मैंने हरी मिर्चें लिए, 1 छोटा चम्मच मैंने जीरे का लिया, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ लिए और 1 छोटा चम्मच मैंने चीनी का लिया है। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में ये साबूदाना डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये साबूदाना हमने ग्राइंड कर लिया, अब हम इसमें डाल देंगे सावक के चावल। अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ग्राइंड कर लिया, अब इसमें हम दही डाल देंगे। थोड़ा सा ये लेमन का जूस डाल देते हैं, थोड़ा सा बचा लेंगे, और इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल देंगे। बस अब इसको हम थोड़ा सा बीच में मिलाकर एक बार हम ग्राइंड करेंगे, पूरी तरह से पेस्ट बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी हमने पेस्ट बना ली है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, और इसमें हम बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं। अब इसको हम ढक के रख देते हैं उतनी देर में। हम हमारा स्टीमर तैयार कर लेते हैं। ये स्टीमर में मैंने पानी ले लिया है, गैस को हम जला देते हैं, पानी बॉईल कर लेते हैं इसको। जितनी देर पानी हमारा बॉयल होता है, हम सांचे को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमने ढोकला बनाना है। ये हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं और इसमें हम ढोकले का बैटर डाल देंगे। अब हमारा बैटर भी तैयार हो चुका है, ये देखिए इसमें बबल्स बन चुके हैं, ये देखिए। अब इसको हम शेक करके सांचे में डाल देते हैं। अगर आप व्रत में हल्दी खा लेते हैं तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। अब ये पानी बॉईल हो चुका है, इसमें अब हम ये ढोकले वाला सांचा सेट कर देते हैं। अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए रख देते हैं सिम पर। गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है। जितनी देर हमारा ढोकला बनता है उतनी देर हम तड़का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने ऑयल डाला है 1 टेबलस्पून। इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा जीरा, 1 चम्मच जीरा लिया था मैंने। ये जीरा हमारा हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं करी लीव्स, साथ ही हम डाल देते हैं हरी मिर्च, हमने बीच में से काट ली है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चीनी,
और साथ में आधी कटोरी पानी की। अब ये हमारा तड़का भी हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस डाल देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और तड़के को थोड़ा ठंडा होने पर उसमें डाल देंगे। इधर हम देख लेते हैं हमारा ढोकला भी बनकर तैयार हो चुका है कि नहीं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। इसको हम ये चाकू डाल के बीच में देख लेते हैं। ये हो चुका है हमारा, हल्का सा थोड़ा सा रहता है तो अब इसको हम 2 मिनट के लिए स्टीम में रख देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, इतना ये स्टीम में ही अच्छी तरह से बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस पर तड़का भी डाल देते हैं। इसके ऊपर अब थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल देते हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए ये हमारा कितना खूबसूरत ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और नवरात्रों में ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।